सिंडिकेट बोर्ड द्वारा अनाज मंडी में कार्य करने वाले मजदूरों की मजदूरी 2.75 रुपए कम कर दी गई थी, जिसके विरोध में हरियाणा मजदूर संघ के तत्वाधान में सभी जिले की मंडियों के मजदूरों द्वारा हड़ताल पर जाने का आह्वान किया गया था। यह जानकारी देते हुए हरियाणा मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष जंग बहादुर चौहान ने बताया कि मार्केट बोर्ड हरियाणा द्वारा हरियाणा की अनाज मंडियों में मजदूरी करने वालों की मजदूरी कम कर दी गई है, जिसके विरोध में पूरे हरियाणा में मजदूरों द्वारा हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया गया था, जिसके चलते करनाल की सभी अनाज मंडियों को भी आज बंद करने की कॉल की गई थी। लेकिन करनाल जिला उपायुक्त और SDM द्वारा मजदूर संघ के नेताओं से राष्ट्रीय कृषि बाजार केंद्र करनाल में एक बैठक की, जिसमें उनकी समस्याओं को बारीकी से सुना गया। वहीं उपायुक्त ने सरकार से उनकी मजदूरी बढ़ाने का आश्वासन दिया गया, जिसके बाद मजदूरों ने हड़ताल के फैसले को टाल दिया। इसके बाद करनाल जिले की सभी अनाज मंडियों में कामकाज सुचारू रूप से प्रारंभ हो गया। वहीं मजदूर संघ के प्रधान जंग बहादुर चौहान ने कहा कि सरकार द्वारा मजदूरों की मांगे मान ली जाती है तो ठीक है, अन्यथा आने वाले दिनों में दोबारा से संघर्ष का रास्ता अपनाया जा सकता है। वहीं जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव अनाज मंडी में पहुंचे और उन्होंने मजदूर नेताओं के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत करते हुए आश्वासन दिया कि उनकी बात जल्द से जल्द सरकार तक पहुंचाई जाएगी। आज हमने जो मार्केट बोर्ड ने मजदूरों की मजदूरी कम कर दिया था 2.75 रुपए, उसके विरोध में हमने करनाल की सभी मंडियों में हड़ताल का नोटिस दिया हुआ था, लेकिन कल आश्वासन दिया गया SDM साहब की तरफ से और DC साहब की तरफ से। आश्वासन दिया गया कि आप हड़ताल को रोक दें, हम आपकी मांगों पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं। उसी दृष्टि से आज अभी DC साहब से बातचीत हुई है और उन्होंने आश्वस्त किया है। कुछ मांगे तो ऐसी थी जैसे हमारे यहाँ मजदूर बीमार पड़ता है। ठीक है, बात मान ली गई आपकी? हाँ मान ली। ठीक है, हड़ताल खत्म कर, हड़ताल खत्म कर। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।